अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले मैंने कोट का कटिंग बताया था मार्किंग लगा के, इस बार पूरा फुल कोट कटिंग करके दिखाऊंगा कि इस बार ये कोट आया है, इसकी वजह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा लंबाई है कोट का 28 इंची, चेस्ट है 39.5 इंची, 6 इंची लूजिंग रखे हैं, 39 इंच बेस्ट है, 6 इंची लूजिंग रखे हैं, 41 इंच हिप है, 4 इंची लूजिंग रखे हैं, 17.5 इंच शोल्डर है, 25 इंच आस्तीन है, 11.5 इंच मोहरी है। ठीक, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधा एक मार्क लगा लेंगे। मैं सबसे पहले इसको बैक काटेंगे। लेंथ है 28 इंच, 28 इंच पे मार्क लगा लेंगे और 1 इंच बढ़ के लगाएंगे और फिर यहाँ से जो बढ़ के लगाए हैं वो यहाँ से नहीं नापना है, यहाँ से नापना है। और चेस्ट है 39 इंच, 39.5 इंच चौथा हिस्सा करें तो 10 में 1 पॉइंट कम आता है। यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे ऊपर, यहाँ 1.5 इंच ऊपर उठा लेंगे, 17 इंच बेस्ट का मार्क लगाएंगे। उसके बाद है फिलहाल में इसको सीधा मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 3.25 इंच देंगे, 3.25 इंच यहाँ रहेगी, 17.5 इंच शोल्डर है, 17.5 का आधा 9.25 रहेगी और ये आधा इंच बढ़ के लगाएंगे। और चेस्ट है 39.5 इंच, 39.5 का चौथा हिस्सा 10 इंच में 1 पॉइंट कम आती है, 10 इंच में 1 पॉइंट कम आएगी तो हम इसको, ये 10 इंच हो गया और इसमें हम 8.25 रखेंगे, यानी 1.5 इंच कम रखेंगे, उससे भी 1 पॉइंट कम रखेंगे, यानी 1.5 इंच कम रखना है। यहाँ पे सीना का चौथा हिस्सा से 1.5 इंच कम रखना है और 39 इंच है। तो 39 इंच है तो इसमें 39 का चौथा हिस्सा करें तो 9.25 आता है, 9.25। अगर इसमें 9.25 इसमें हम 2 इंच कम करेंगे यानी 9.8 आएगी। ये मोटे आदमी का कोट है, इसके वजह से ज़्यादा सेब नहीं आएगी इसमें। और 41 है, 41 का चौथा हिस्सा आएगी 10.25, 10.25 इसमें भी हम 1.5 इंच कम करेंगे, 10.25 और 1.5 इंच कम करेंगे तो 9.25 आएगी। अब इसको हम कट इन कर लेंगे।
हम इसी मार्क, ये जो मार्क पहले से लगा है इसी को हम सीधा करेंगे। ये 28 इंच लंबाई रहेगी। ये आधा इंच ऊपर जाएगी। शोल्डर का कम से कम 3.25 इंच देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ के लगाएंगे, 1 इंच का ज़्यादा मार्क लगाएंगे। और ये सीना का चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच बढ़ के लगाएंगे। और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ के लगाएंगे। यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा 1 इंच बढ़ के लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 3.25 इंच रहेगी। अब इसमें हम ये 4 इंची लूजिंग के लिए मार्क लगाएंगे। पीछे देख लेंगे हमारा कितना तैयारी आ रही है। ये हिप में आ रही है 16.5, और ये 7.5 तैयारी आ रही है, यानी 14.5। चेस्ट में 16 इंच आ रही है तैयारी, यानी नीचे 16.5 और 14.5, यहाँ 16 आ रही है। तब हम नाप के देखेंगे कितना लूजिंग आएगी। तो 8 इंच पकड़ लेंगे, ये 16 इंच हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ पकड़ लेंगे, ये देखिए 46 इंच आ रही है, यानी 39.5 इंच है, 6 इंच लूजिंग आ गई। और पीछे है 14 इंच, 14.5। अब यहाँ से पकड़ लेंगे, ये 44 इंच आ रही है, यानी 44 से 45 आ रही है, या 39 है, इसमें भी 6 इंच लूजिंग आ रही है। और 16.5 हीफ है। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो इसमें 6 इंच लूजिंग डाले तो ये कितना आ रही है, 47 आ रही है।
ये देखिए 47 आ रही है। ये हमारा वॉलेट पैकेट हो गया और ये 9 इंच पैकेट का मार्क लाएंगे। यहाँ से सामने से 3.5 इंच साढ़े 5 इंच पैकेट कम हो रहेगा। सबसे पहले करेंगे इसका गोलाई कर लेंगे। यहाँ से ऐसे लेंगे इसको, एक मार्क यहाँ पे लेंगे। ऐसा मार्क लगा लेंगे। ये बहुत बड़ी साइज है, इसके वजह से ज़्यादा दिख रही है। और ये इसका बीच बीच हम एक मार्क लगाएंगे वॉलेट पैक टक्स का। यहां से आप क्या कीजिए, 1.5 इंच छोड़ दीजिए, 1.5 इंच छोड़ के टक्स मार ले। अब ये जो मार्क लगाया पैकेट का, ये यहाँ पे जो मार्जिन जाएगी, यहाँ पे मार्जिन जाएगी तो पैकेट ये क्या बोलते हैं, 1 इंच यहाँ पे आ जाएगी फालतू, 1 इंच इधर जाएगी, यानी दोनों के बीच में पैकेट आ जाएगी ये कटने के बाद। मैं इसको बना के भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बार पूरा डिटेल बताऊँगा हर एक स्टेप करने का, पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है 5-6 पार्ट हो जाए, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे यहाँ की गोलाई, यहाँ पे हम इस तरह गोलाई कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा डाउन रहेगी अंदर के हिस्से में। पंद्रह इंच पे देंगे, इसको कटिंग करेंगे अब यहां से।
इसको हम कट इन कर लेंगे। इसमें पूरा स्टेप चिपकाने के बाद इसके बाद यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे, फिर ऐसे कटिंग करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी बजाना ना भूलें।